जनता पार्टी ने आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारी अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएं थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सभी के रिजल्ट होशंगाबाद, सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के और सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीजों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने का तरीका था। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहा था कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भारत के ये इस प्रकार से जिनसे दुनिया सबक लेती है, दुनिया में इनको बहुत सम्मान की निगाह से देखा जाता है, लेकिन विपक्ष निराशा हताशा में बार बार हमारे अपने ऐसे मजबूत स्तंभों पर प्रश्न खड़ा करता है। मुझे इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे सभी मसलों में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करते हुए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं।